नमस्कार, ghamasan.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश तिवारी और इस वक्त हम बात कर रहे हैं बजट पर। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ शिक्षाविद और आर्थिक मामलों के जानकार डॉक्टर रमेश मंगल सर, आपका स्वागत है। आज जो बजट पेश हुआ है उसका फोकस क्या है? यह जो बजट है यह मुख्य लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। लक्ष्य है गांव, गरीब और गाय। इसमें गांवों का ध्यान रखा है, गरीबों के लिए प्रावधान किए गए हैं और काम देने योजना बनाकर 750 करोड़ का एक विशेष फंड गायों पर बनाया गया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बहुत स्पेशल कहा कि यह जो बजट है यह विजन है, विजन 2020, विजन 2030, और इसमें उनकी नीयत बहुत साफ है, नीतियों को लेकर चले हैं और निष्ठा के साथ बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। तो नियत, नीति और निष्ठा इस बजट के अंदर झलकती है, जैसा कि पीयूष गोयल जी ने कहा है। गांव, गाय, गरीब सबकी बात हुई, पर बजट में मध्यम वर्गीय का ख्याल भी वित्त मंत्री ने रखा है, जो टैक्स के स्लैब में बदला हुआ है। जैसा कि अपेक्षित था, वित्त मंत्री ने बड़ी चतुरता के साथ में मध्यम वर्गों के हितों की बात कही है। उन्होंने 5 लाख रुपए तक की आय वालों को बिल्कुल फ्री कर दिया है। पहले जो 2.5 लाख रुपए सीमा थी, 5 लाख कर दी है। इसका मतलब है कि 5 लाख रुपए तक की आय पर कर नहीं लगेगा। उसके बाद की स्लैब यथावत रखी है, यानी 20% और 30%। दूसरी बात उन्होंने बहुत विशेष कही है, ATC में जो 1.5 लाख की छूट थी वो वैसी की वैसी रहेगी। 2 लाख रुपए के होम लोन पर उन्होंने ब्याज में छूट दी है। ग्रेचुटी के लिए 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख की है और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 किया है। निश्चित रूप से इन सब प्रावधान से जो व्यक्तिगत करदाता है उसको विशेष रूप से लाभ मिलने वाला है। और जैसा कि हमने देखा भी है कि TV पर जब वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था तो इस प्रावधान के ऊपर पूरी संसद के अंदर तालियां बजाकर वित्त मंत्री का स्वागत किया गया था। वास्तव में यह प्रावधान जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए खुशियां लेकर आया है। असंगठित क्षेत्र के मजदूर और किसानों के लिए भी योजनाएं हैं, तो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सर इतनी बड़ी घोषणा तो पहले कभी नहीं हुई। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है आपका। असंगठित लोगों के लिए इन्होंने गारंटीड पेंशन चालू की है। वो गारंटीड पेंशन 3,000 रुपये है और यह अपने आप में अनूठा है। मैं समझता हूँ कि विश्व में अपने आप में यह बहुत विशेष प्रावधान किया गया है कि जो मजदूर लोग हैं, असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, उनके लिए 3,000 रुपये मासिक पेंशन की योजना बनाना। दूसरी बात इसके अंदर महत्वपूर्ण यह है कि जो मृत्यु पर 2.5 लाख रुपये जो दिए जाते थे कर्मचारियों को, वो बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी गई और इसी प्रकार से बोनस भी बढ़ाया गया है। तो इस प्रकार से असंगठित क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छे प्रावधान किए गए हैं और इससे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लाभ मिलेगा। सर, क्या बजट पर लोकसभा चुनाव की आहट दिखाई दे रही है? 12 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे जब इस बजट के अनुसार 6,000 रुपये वार्षिक राशि किसानों के खातों में जाएगी। और घोषणा यहाँ तक की गई है कि 2,000 रुपये की पहली किस्त दिसंबर 2018 से ही चालू हो जाएगी। अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की योजनाएं चालू की गई हैं। अपेक्षित परिणाम क्या मिलते हैं वो बात दूर है, लेकिन घोषणा हुई है और किसानों को लग रहा है कि उन्हें कुछ तो मिल ही रहा है। एक दूसरा प्रावधान अच्छा किया गया है, वो है PM कृषक सम्मान निधि। कृषकों के सम्मान के लिए, सम्मान के रूप में यह घोषणा की गई है और ऐसे किसान जो आपदा पीड़ित हैं उनके लिए ब्याज में 5% छूट का प्रावधान भी यह अलग से किया गया है। जो 22 फसलें हैं जो कि सूचित की गई है, 22 फसलों पर समर्थन मूल्य में लागत का 50% लगेगा, सरकार देगी और किसान का जो चेहरा मुरझाया हुआ था उसमें
खुशी की लहर है, यह खुशी कितनी आगे चलती है और योजना किस ढंग से क्रियान्वित होती है यह बात देखने की है, क्योंकि इस प्रकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में सबसे अधिक तकलीफें आती हैं। नोटबंदी के बाद ऐसा माना जा रहा था कि व्यापार व्यवसाय का क्षेत्र, खासकर प्रॉपर्टी का क्षेत्र बहुत प्रभावित हुआ है, तो इस बजट के बाद सर उसमें कुछ अच्छी स्थिति में देखने को मिले? सरकार ने रेरा जो कानून लगाए हैं, वो रेरा का कानून कसावट के लिए आया है। हालांकि नोटबंदी के बाद प्रॉपर्टी बाजार डल हो गया था और नंबर दो की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई थी। इसके लिए कई प्रॉपर्टी बिना बिकी रह गई थी, जो बिल्डर्स हैं बिल्डर्स को चेन नहीं थी, उनकी डिमांड थी, उस डिमांड को देखते हुए इस वित्त मंत्री जी ने एक अच्छी घोषणा की है कि ऐसे मकान जो बिना बिके हैं उनको 2 साल तक कर नहीं लिया जाएगा। ये घोषणा अच्छी है और इसीलिए बिल्डर्स को राहत इसके अंदर मिलने की संभावना है। पूरा बजट तैयार हुआ है, अरुण जेटली जी की अनुपस्थिति है अभी और पीयूष जी ने इसको पेश किया, तो 10 में से अगर सर आप इस बजट को कोई नंबर देना चाहते हैं तो कितने नंबर देंगे? आपके प्रश्न के साथ में हम भारत की स्थिति देखें, आज भारत विश्व की 6 अर्थव्यवस्था है, इसका मतलब प्रगति हुई है। दूसरी बात, महंगाई दर में कमी आई है, महंगाई दर 10 से घटकर 4% हो गई है और जो वित्तीय घाटा है वो जीडीपी का 3% रहने का अनुमान है। यह जो फिगर बताए गए हैं, यह जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, यदि इन आंकड़ों की बात सही माने तो रोजगार सृजित होगा, रोजगार जनित होगा और सरकार का जो आर्थिक पक्ष है वो आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। इस हिसाब से, जबकि यह अंतरिम बजट है, अंतरिम बजट हमारे देश में 6 या 7 बार प्रस्तुत किया गया है, चिदंबरम जी ने इसके पहले अंतरिम बजट किया था, लेखानुदान की बजाय अंतरिम बजट प्रस्तुत करना यह एक परंपरा हो गई है और अंतरिम बजट में जो घोषणाएं की जाती है निश्चित रूप में, चूंकि चुनाव का पीरियड जाती हुई पार्टी होती है इसलिए घोषणाएं होता है। वित्त मंत्री ने अच्छी घोषणाएं की है, विजन स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, भविष्य का भी सोचा है, इस माने में दूरदृष्टि बजट हम कह सकते हैं और मैं मानता हूं कि 10 में से 7 अंक इस बजट को दिए जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।